श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2। बहुरी एक दिन वह कुम्हार इनके भाई पाहुने आए, ताकि लिए मेवा मिश्री डारी के वह कुम्हार इन ने लडवा किए हते, और पानी न हो तो सो कुम्हार इन तो पानी लेन गई, परंतु वाके मन में तो लडवा हते। इतने में दो ही वैष्णव बालक आए, तिनको या कुम्हार ने लडवा खवाई दिए। सो वह कुम्हारी दोरी आई के देखे तो लडवा तो या कुम्हार ने वैष्णव बालक को खवाई दिए। तब वह बहुत क्रोध करन लागी, पाछे भाई को रोटी खरी खवायो। सो यह कुम्हार के घर में जो अच्छी वस्तु देखे सो वैष्णव को देई, बासन कपड़ा सब। तब स्त्री ने और कुम्हार से विवाह कियो। तब वह कुम्हार बहुत प्रसन्न भयो। पाछे अकाल पड़ो तब वह कुम्हारी और कुम्हार भूखे मरे, और यहाँ नित्य वैष्णव आए मंडली करे। तब वह कुम्हारी आई के या कुम्हार के पाइन परी के कही, जो अब तुम मुँह को घर में राखो। तब इनने कहो, जो अब घर में नाही द्वारी बाहर रहो, प्रसाद देंगे। भाव प्रकाश काहे ते, जो कुम्हारी धर्म की विरोधी है, इनके संगते या कुम्हार को मन बिगड़े, तब बहिर्मुक्ता प्राप्त हुई, ताते उनको घर में राखी नाही। और वैष्णव को यह धर्म है जो जीव मात्र पर दया राखनी, तामे यह तो स्त्री है, ताते प्रसाद देन की कही। वह कुम्हार श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, सो वाको श्री गुसाई जी की कृपा ते श्री गुसाई जी ऊपर ऐसो दृढ़ विश्वास हतो, ताते उनकी वार्ता कहाँ ता ही कही है। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। तो एक दिन वह कुम्हार की पत्नी कुम्हारी इनका भाई घर आया, तो उसके लिए ये कुम्हारिन ने लड्डू बना के रखे थे, और ये तो पानी लेने गई। इतने में दो वैष्णव बालक आए, तब वह कुम्हार ने वह लड्डू उन बालकों को खिला दिए। फिर जब वह कुम्हारिन पानी लेके वापस आई, तब जाना तो इनके पति ने लड्डू तो वैष्णव बालकों को खिला दिए थे। तब वह बहुत क्रोध करने लगी। फिर कुम्हारी ने अपने भाई को तो रोटी खिलाई, तो यह कुम्हार ऐसे थे कि जो अच्छी वस्तु होती वह सब वैष्णवों को दे देते। तब वह कुम्हारिन तो दूसरे कुम्हार के साथ रहने लगी। फिर जब अकाल पड़ा तो वह कुम्हारिन जिस कुम्हार के पास रह रही थी वहाँ वह भूखी रहने लगी, और ये कुम्हार के यहाँ तो नित्य वैष्णव आए मंडली होए। तब वह कुम्हारिन वापस इन कुम्हार के पास आई और विनती करी कि अब मुझे अपने घर में रखो। तब इनने कहा कि घर में नहीं, अब तुम बाहर रहो, हम तुमको नित्य प्रसाद जरूर देंगे। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वह कुम्हारिन धर्म की विरोधी थी, इनके संग से इन कुम्हार का भी मन बिगड़ता, इसलिए कुम्हार ने उसको घर में नहीं रखा। और वैष्णवों का यह धर्म है जो जीवों पे दया रखनी चाहिए, और यह तो स्त्री थी इसलिए नित्य प्रसाद देने का कहा। तो वह कुम्हार श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे, जिनको श्री गुसाई जी पे ऐसा दृढ़ विश्वास था। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मंधन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।